हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज सुभाष। इस न्यू सेबी रूल के कारण रिटेल ट्रेडर को क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, इसके ऊपर हम लोग इन डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिए। देखिए, फर्स्ट थिंग, वॉल्यूम, लिक्विडिटी, ये क्या हो सकता है मार्केट के अंदर, ये न्यूज के बाद हम लोग इसको थोड़ा सा बाद में डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट थिंग, मैं आपको मेरा ही एग्जाम्पल देना चाहता हूँ जिससे आप रिलेट कर पाओ एक्चुअली में आपको इफेक्ट क्या हो सकता है। जब 5-6 साल पहले मैं जॉब करता था, 30,000 के आसपास मेरा सैलरी था, उस टाइम पे मैंने भी कोई ड्रीम देखा था, हाँ मैं ट्रेडर बनूंगा। उस टाइम पे मैं क्या करता था, 20,000 कभी 10,000 कभी 30,000 में मार्केट में लेके आता था, ट्रेड करता था। कभी कभी वो 20,000 एक साथ लीवरेज के कारण 50-60,000 हो जाता था, 50-60,000 से 10,000, 5,000, इस तरीके से मैंने बहुत बार अकाउंट मेरा खाली किया है, नो डाउट। लेकिन ये जो फेज चल रहा था, प्रोसेस चल रहा था, उसके कारण मैंने कुछ ना कुछ मार्केट के अंदर सीखा है। जब प्रॉफिट होता था बहुत अच्छा लगता था, प्रॉफिट हो रहा है, लॉसेस होने के बाद मैं देखता था कि नहीं, हाँ मेरा गलती था, बहुत ज्यादा पोजीशन साइजिंग था, मनी मैनेजमेंट सही नहीं था या फिर स्ट्रैटेजी सही नहीं था। तो ये मैं एवेल्युएट करता रहता था, क्योंकि मैं 30-40 हज़ार जब मार्केट में लेके आता था, एक हिम्मत होता था, हाँ इतना जाएगा तो मैं मैनेज कर लूंगा। लेकिन ये सेबी रूल के कारण क्या हो रहा है, अगर मैं फ्यूचर या फिर ऑप्शन सेलिंग या फ्यूचर के ऊपर अगर मैं ट्रेड करने के लिए जाऊंगा तो मिनिमम मुझे 3-5 लाख कैपिटल चाहिए, अगर मैं 1-2 लॉट इस तरीके से कुछ सोच रहा हूं। अगर ये सेम सेबी का रूल अगर 5-6 साल पहले होता, मैं आपको 100% बता रहा हूं मैं कभी भी ट्रेडर बन नहीं पाता, क्योंकि मैं ये ड्रीम देखता भी नहीं। 5-10 लाख में कहां से अरेंज करके आऊंगा मार्केट के अंदर ये सारी चीजें ट्रेड करने के लिए। तो चलिए और एक पॉइंट डिस्कशन करते हैं। अगर हम लोग SBIN का फ्यूचर का लॉट साइज देखेंगे, 1500 है, हम लोग रफली इसका अगर प्राइस देखेंगे SBIN का 420 या 430 रुपीज के आसपास चल रहा है। अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, नियर अबाउट 6-7 लाख के ब्रैकेट में आता है, वो एक फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट है। अगर उसको हम लोग को खरीदना है तो हम लोग 2,30,000 के आसपास हम लोग पे करेंगे अगर ओवरनाइट पोजिशन रखना है। फ्यूचर इटसेल्फ इज ए लिवरेज प्रोडक्ट, ये सब लोगों को पता है। उसके लिए हम लोग 6-7 लाख का जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होता है उसको हम लोग 2-2.5 लाख पैसा देकर यूज कर सकते हैं। और ये लिवरेज हमको मिलता क्यों है, क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट है, इसको हम लोग लाइफ लॉन्ग होल्ड करके रख नहीं सकते। इसको हम लोग मंथ के स्टार्टिंग में खरीदे या बीच में खरीदे, उसका एक टाइम पीरियड रहता है, मंथली या 3 मंथ या सेकेंड मंथ में हम लोग खरीद रहे हैं। जब इंट्राडे ट्रेडर भी सेम बोल रहा है, हम लोगों को मॉर्निंग में हम लोग खरीदेंगे, इवनिंग को बेच देंगे, तो इसका मतलब अगर वो टाइम फ्रेम मंथली और 2-3 मंथ के लिए अगर लिवरेज मिल रहा है कोई प्रोडक्ट है उसके लिए, तो व्हाई नॉट फॉर इंट्राडे हम लोगों को क्यों नहीं मिलना चाहिए। अगर मैं मॉर्निंग में खरीद रहा हूं, इवनिंग को बेच रहा हूं, 100% यहां पे भी लिवरेज का रूल अप्लाई होना चाहिए, क्योंकि मैं ओवरनाइट रिस्क लेके जा नहीं रहा हूं, कुछ सर्टन पीरियड तक उसको होल्ड करके रख रहा हूं। इसीलिए हम लोगों को इंट्राडे ट्रेडर बोला जाता है और हम लोग लिवरेज यूज करते हैं। सेबी को जब भी पूछा जाता है ये रूल क्यों लाया गया है, तो हर एक बार उनका यही रिप्लाई रहता है, रिटेल इन्वेस्टर को बचाने के लिए, ये इन्वेस्टर का पैसा बचाने के लिए। परफेक्ट। अगर ये रूल आने के बाद क्या सेबी एश्योरेंस दे सकता है हम लोगों को कि नहीं, हाँ हम लोग 100% ट्रेडर बन जाएंगे, या फिर जो रेशियो होता है 90% लोग लूज करते हैं, वो रेशियो बहुत ज्यादा चेंजेस हो जाएगा। देखिए, जितने लोग यहाँ पे रियल ट्रेडर हैं, वीडियो देख रहे होंगे, उनको भी पता है आप पोजिशनल करो, इन्वेस्टिंग करो या फिर लॉन्ग टर्म में कुछ चीजें कर रहे हो, हर एक चीजों के लिए एक स्किल रिक्वायरमेंट होता है। आप सही टाइमिंग, आपका मनी मैनेजमेंट, पैसा, स्किल 100% आपको रिक्वायरमेंट होता है। इंट्राडे में इट विल बी वेरी फास्ट, जितने लोग इंट्राडे करते हैं उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा कैलकुलेशन इमीडिएटली करना पड़ता है, इसके लिए पैसा ड्रॉडाउन होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। लेकिन दोनों ही केस में आपको स्किल रिक्वायरमेंट होता है। लिवरेज हट जाने से आप ट्रेडर बन जाओगे ये कभी 100% गारंटी नहीं होगा। जब तक आप अपने आप को एजुकेट नहीं करते हो, मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर चीजों को नहीं समझते हो, मार्केट के अंदर रिस्क टू रिवॉर्ड होता क्या है, मनी मैनेजमेंट होता क्या है, कौन सा स्ट्रैटेजी आपको सूट करता है, ये सारी चीजें अगर आप लोग नहीं समझोगे तो 100% आपको लिवरेज मिले या ना मिले तो भी आप लॉसेस करने वाले हो। लिवरेज आ जाने से या हट जाने से कोई ट्रेडर बनेगा या नहीं बनेगा ये कभी 100% फुल प्रूफ नहीं होता। तो चलिए मैं बताता हूं, अगर ये रूल अप्लाई होता है तो रियल वर्ल्ड में क्या इफेक्ट हो सकता है। अगर एक रिटेल ट्रेडर को बचाना है, रिटेल ट्रेडर जनरली करता क्या है, उसके पास नॉलेज कम रहता है, वो कॉन्फिडेंस नहीं होता ट्रेड होल्ड करना चाहिए रखना चाहिए। जनरली एक रिटेल ट्रेडर अपना लूजिंग पोजिशन होल्ड कर जाता है, विनिंग पोजिशन को बहुत जल्दी निकाल देता है, ये बहुत सारे लोग जानते हैं। अगर उन लोगों को बचाना है, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर इंट्राडे में मार्जिन पूरा खत्म होता है, अगर वो कहीं से अरेंज करके या फिर रेडी हो रहा है, इतना पैसे से मैं कैपिटल स्टार्ट करूंगा, 5-6 लाख मार्केट के अंदर आता है,
उसने अगर कोई स्टॉक या फ्यूचर का या फिर ऑप्शन सेलिंग का अगर पूरा पैसा अपफ्रंट मार्जिन पे किया है, नो डाउट वो ओवरनाइट रिस्क बहुत ज्यादा लेगा। पहले क्या होता था, जस्ट इमेजिन आज के डेट का ही मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मार्केट बहुत ही अच्छा था, जितने लोग चार्ट ट्रेडिंग करना जानते हैं, एनालिसिस जानते हैं, मार्केट बहुत ही अच्छा बुलिश स्टेज पे था, लेकिन आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी आने के बाद मार्केट धीरे से नीचे आ गया 400 पॉइंट। अगर मैं इंट्राडे में ट्रेड कर रहा हूं तो मैं 100 पॉइंट 200 पॉइंट देखने के बाद मैं निकाल सकता हूं, लेकिन जितने लोग ओवरनाइट ट्रेड करेंगे, होल्ड करके पोजीशन चले जाएंगे, अगर कुछ अनप्लान्ड इवेंट होता है, जस्ट बिकॉज मैं इंट्राडे ट्रेडर था, मुझे मार्जिन पूरा अगर मैं पे कर रहा हूं, मैं इसको एक सर्टन लेवल तक होल्ड करके रख के लेके जा सकता हूं, इसके कारण क्या करूंगा, मैं अननेसेसरी रिस्क लेना स्टार्ट करूंगा। और ओवरनाइट अगर कुछ अनप्लान्ड इवेंट होता है, प्लान्ड इवेंट भले मैं ट्रेड ना करूं, उस वीक में ट्रेड नहीं किया ठीक है, लेकिन कुछ अगर अनप्लान्ड ग्लोबल सिनेरियो में कुछ अनप्लान्ड इवेंट होता है, मार्केट अगर 3-4% ऊपर नीचे होता है, अचानक से कोई स्टॉक 5-10% 20% जाना कोई बड़ा बात नहीं है, तब क्या ये गारंटी रहता है कि नहीं, हाँ ये लेवरेज प्रोडक्ट अगर हटा देने से लोग ट्रेडर बन जाएंगे, तब लोगों का ओवरनाइट रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। मैं इंट्राडे ट्रेड इसीलिए करता हूँ क्योंकि लेवरेज मिलता है, और सेकंड थिंग एक एश्योरेंस मिलता है, हाँ मैं मॉर्निंग में ट्रेड करूंगा, इवनिंग में खत्म करूंगा, एसजीएक्स निफ्टी क्या कर रहा है, ग्लोबल मार्केट में क्या हो रहा है, सेंटिमेंट क्या है, ये सारी चीजें जानने का जरूरत नहीं। और एक पॉइंट मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, मैंने 4-5 बार अकाउंट खाली किया है, मैंने आप लोगों को बताया, लेकिन मैंने कभी एनएसई से भी या ब्रोकर को कभी मैंने लेटर नहीं लिखा है, आप लोग लिवरेज दे रहे हो इसके कारण मेरा लॉसेस हो रहा है। एक रिटेल इन्वेस्टर लेटर या फिर कंसर्न तभी उसका रेज होता है जब एनएसई ग्लीच हो गया, एनएसई का प्रोडक्ट बीएसई में बेच दिया गया, उसका सही प्राइसिंग नहीं दिखा रहा है, ऑर्डर लगाए थे लेकिन वो स्किप हो गया कोई भी टेक्निकल रीजन के कारण, ये सारे रीजन के ऊपर हम लोग एनएसई या फिर किसी को बताते हैं या फिर ब्रोकर हाउस को हम लोग कंसर्न रेज करते हैं। अगर सही में सेबी को रिटेल ट्रेडर का इतना टेंशन है तो फिर मेरे हिसाब से इधर सेबी या एनएसई को ही एक ब्रोकर हाउस खोल देना चाहिए, इससे एक रिटेल इन्वेस्टर या कोई भी डरेगा नहीं, ना पैसा हम लोग का मिसयूज होगा क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट को पैसा दे रहे हैं डायरेक्टली, आप लोग ही ब्रोकर हाउस खोल लो, हम लोग पैसा रखने के लिए भी हमको यूज होगा, मिसयूज नहीं होगा, अगर कोई कंप्लेन होगा तो हमको डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं, तो ये सबसे इजी प्रोसेस हो जाएगा। और एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, टू बी वेरी फ्रैंक, जितने लोग यहां ट्रेडर वीडियो देख रहे हैं या फिर अगर मैं मेरा बात बोलूं, तो लिवरेज रहे ना रहे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट नो डाउट थोड़ा कम हो जाएगा लेकिन इतना फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि डाउन द लाइन थोड़ा बहुत प्रॉफिट कर करके ये सारे चीजें मैनेज हो सकती है। लेकिन मैं उतने सब लोगों को क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, जितने लोग ऑलरेडी ट्रेडर बन चुके हैं, इनिशियल स्टेज में अगर आपको मार्जिन नहीं मिलता, क्या आज आप ट्रेडर बन पाते? मुझे अगर मुझे कोई पूछेगा तो द आंसर इज 110% नो, क्योंकि 30-40 हजार 50 हजार में लाख के मार्केट में देखता था, कभी 2 लाख प्रॉफिट हो गया, कभी 50 हजार प्रॉफिट हो गया, कभी 50 हजार माइनस हो गया, फिर से मैं ये सारे प्रोसेस करते करते मैं मार्केट को सीख रहा था, समझ रहा था। लेकिन अभी अगर ट्रेड करने के लिए 3-5 लाख या 6-7 लाख एक इक्विटी ट्रेड करना और फ्यूचर ट्रेड करना, ऑप्शन सेल करना, ये सारी चीजें कंप्लीटली डिफरेंट हो जाता है। फ्यूचर और ऑप्शन सेलिंग के लिए मिनिमम 2-2.5 लाख या 3 लाख एक लॉट के लिए अगर लग रहा है, 2-3 अगर मैं प्रैक्टिस करने के लिए लगाऊंगा, इतना पैसा इनिशियल स्टेज में मैं ला ही नहीं पाता जिससे मैं ट्रेडर बन पाओ। तो ये सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा जो फ्रेश न्यूली ट्रेडर बनना चाहते हैं उनके लिए। जिन लोग ट्रेडर बन चुके हैं उनको इफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि उनको पता है कैपिटल बढ़ाएंगे तो रिटर्न बढ़ जाएगा, थोड़ा सा परसेंटेज प्रॉफिट कम होगा। लेकिन इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि नहीं, जिन लोग न्यू ट्रेडर है मार्केट देख कर आते, और जितने लोग अपने रोल मॉडल कोई भी एक्सपर्ट बड़े ब्रोकर हाउस पकड़ लीजिए या फिर कोई बड़ा ट्रेडर राकेश धवानी जी, जेम्स सोरोस, किसी का भी नाम ले लीजिए, एवरीवन टेकन ह्यूज लेवरेज टू बिकेम ए ट्रेडर, और ट्रेडर हो गया या इन्वेस्टर होने के लिए, क्योंकि इनिशियल स्टेज में लगता है, कंपनी एस्टैब्लिश होने के बाद कभी फंडिंग का जरूरत नहीं पड़ता, इनिशियल स्टेज में हमेशा उनको फंडिंग का जरूरत पड़ता है या फिर लेवरेज प्रोडक्ट उन लोग यूज करते हैं, एक बार कंपनी बनने के बाद उनको जरूरत नहीं पड़ता। और जितने लोग अननेसेसरी रिस्क लेते हैं उनको आप लेवरेज दो ना दो उनको फर्क नहीं पड़ता, उन लोग गले तक पोजीशन लेने वाले हैं, आप उनको लिवरेज दो ना दो, पोजिशनल हो, इन्वेस्टिंग हो, उन लोग जहां पे सस्ता देखा मार्केट नीचे गिरा होगा 5-10 रुपए वाला स्टॉक वही ढूंढेंगे और वहां पे लॉसेस करेंगे, भले कुछ भी रूल आ जाए उन लोग चेंजेस नहीं होने वाले हैं, लेकिन ये फर्क पड़ेगा उन लोगों को जितने लोग इन फ्यूचर स्लो एंड स्टडी ट्रेडिंग करके सीख रहे थे, 1-2 साल से कुछ चीजें प्रैक्टिस कर रहे थे लेकिन अभी इंप्लीमेंट करने के लिए उनको इमीडिएटली एक ज्यादा कैपिटल का रिक्वायरमेंट होगा। आई होप आप मेरा पॉइंट समझ रहे हो। चलिए अभी हम लोग डिस्कशन करते हैं न्यू रूल के कारण मार्केट के ऊपर क्या इफेक्ट हो सकता है। फर्स्ट थिंग, अभी लिवरेज प्रोडक्ट के कारण हर एक जगह बाय सेल ऑर्डर रहता था, इसका मतलब लिक्विडिटी प्रॉपर मेंटेन होती थी, हर एक पॉइंट पे बायर सेलर हर एक प्राइस
में रेडी रहते थे। अभी इसके कारण अगर लिक्विडिटी कम हो रहा है, ये ऑर्डर अगर रहेंगे नहीं तो मार्केट के अंदर स्पाइक लगना कॉमन हो सकता है एंड बहुत सारे लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली दूसरे जगह ढूंढना स्टार्ट करेंगे कहां पे फॉरेक्स हो गया या फिर दूसरे स्टॉक एक्सचेंजेस हो गया वहां पे उन लोग ट्रेड कर पाए, फॉरेक्स में ट्रेड कर पाए, ये सारे अपॉर्चुनिटी ढूंढना स्टार्ट करेंगे रादर देन यहां पे बने रहना। एंड नो डाउट गवर्नमेंट को भी बहुत सारे लॉसेस होने वाले हैं, द रीजन क्योंकि बहुत सारे टैक्सेशन कलेक्ट होते थे इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर वॉल्यूम के कारण, वो भी सारे सिनेरियो रहेगा नहीं। इन द एंड अगर मैं आपको बताऊं सेवी का सोच कुछ खराब नहीं है, ओवर लिवरेज कभी अच्छा नहीं होता, इसको एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म में होना चाहिए। कंप्लीट लिवरेज खत्म हो जाना मतलब जो बायर सेलर के बीच में फाइट चलता था वही कम हो जाएगा, तो सबसे अच्छा है 2-5x के बीच में अगर कहीं पे रहेगा वो अच्छा ब्रैकेट है और बहुत सारे ट्रेडर उतना ही चाहते हैं, उससे ज्यादा चाहते भी नहीं है। और जितने लोग वो नहीं लेना है उन लोग तो ऐसे भी अपना पोजिशनल ट्रेड लेंगे, उनको कोई इफेक्ट नहीं गिरेगा। और ये पॉइंट मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ट्रेडर बनने के बाद कभी लिवरेज का जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन ट्रेडर बनने के लिए आपको लिवरेज की जरूरत पड़ सकती है। सो प्लीज सेबी रिकंसीडर दिस रूल, एटलीस्ट 2x-5x या 4x होना चाहिए जिससे सबको इजी हो। जो 40-50 हज़ार भी यहाँ पे कमाता है कहीं से जॉब से, अगर वो एक ड्रीम देखा है ट्रेडर बनना है तो 20-30 हज़ार या 40 हज़ार लेके अगर मार्केट के अंदर आ रहा है, भले 40 से 1 लाख उसको मिल जाए, 1 लाख से जीरो हो जाए उसका अकाउंट, ये बहुत बार होता है। हर एक ट्रेडर यहाँ पे इतने लोग बने होंगे उन लोग 110% अपना अकाउंट कहीं ना कहीं खाली किए होंगे, लेकिन ये प्रोसेस से उन लोग सीखते हैं, समझते हैं अपना गलती क्या हुआ, ये प्रोसेस चलाने के लिए उनको लिवरेज की जरूरत पड़ती है। सो सेबी प्लीज डोंट किल द ड्रीम्स ऑफ फ्यूचर ट्रेडर्स। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा, हिट द लाइक बटन अगर आप ये सारे पॉइंट के अंदर एग्री करते हैं। इट शुड बी पर्सनल प्रेफरेंस, में लिवरेज लूं या नहीं लूं, लेकिन ये ऑप्शन होना चाहिए क्योंकि हर कोई लिवरेज लेके ट्रेडर बना है, तो हमारे लिए भी ये लिवरेज होना चाहिए इन फ्यूचर के लिए। आई होप ये सारे पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही, थैंक यू।